जिस मिनट से, जिस क्षण से मुझे पता चला है कि श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं है, तो उस टाइम से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और मैं एक्चुअली अभी कुछ भी सेलिब्रेशन या कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोच ही नहीं सकती, मेरा ध्यान ही वहाँ नहीं जा पाएगा। जब उनके बारे में पता चला मुझे, तो मुझे बस यही फील हुआ कि इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में और मॉम जैसी फिल्में, चांदनी जैसी फिल्में, ऐसी फिल्मों को देखने नहीं मिलेगा, अब श्रीदेवी को देखने नहीं मिलेगा किसी नए काम में। आई थिंक मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि आई हैव लुक्ड अप टू हर। मैं बचपन से उनकी बहुत फिल्में देखती थी। मैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2 शूट करने से पहले उनकी फिल्म मास्टर जी मैंने देखी थी कई बार, क्योंकि मैं चाहती थी उसमें उनका कैरेक्टर जैसा था मैं कोशिश करूँ कि शायद उसका 1% भी अगर निभा पाऊँ तो वो पिक्चर के लिए और मेरे रोल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं हमेशा उनको फॉलो करती थी। आई थिंक उनकी कमी हमेशा खलेगी हमारे इंडस्ट्री में। वैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस दोबारा कभी नहीं आई, और जब तक वो अगला जन्म लेके आती नहीं है तब तक शायद फिर नहीं आ पाएगी। प्लैनेट भोजपुरी।